लखनऊ में लूलू मॉल खुलने के बाद आज हम लोग चल रहे हैं फीनिक्स पलासियो मॉल, और देखना दिलचस्प होगा कि लूलू मॉल खुलने से फीनिक्स पलासियो पे क्या असर पड़ा है, क्योंकि लूलू खुलने से पहले फीनिक्स पलासियो ही सबसे बड़ा मॉल माना जा रहा था और सबसे नया मॉल माना जा रहा था। तो चलिए चलते हैं फीनिक्स पलासियो और देखते हैं कि लूलू खुलने के बाद पलासियो के क्या हाल है। बस पहुंचने वाले हैं, हम लोग गाना स्टेडियम पहुंच गए और यहीं से आगे कट लेंगे। जी हाँ, लेफ्ट ही चल रहा है भाई साहब, मालूम बस दिस इज द लेफ्ट। ये स्टेडियम बहुत दिनों से कोई मैच नहीं हुआ और ये सामने आ गया है फीनिक्स पलासियो। फीनिक्स पलासियो में बहुत ज्यादा भीड़ थी, हालांकि दिन का टाइम है, अंदर चल के चलिए देखते हैं कि कैसा है। एंट्री में पार्किंग, हाँ जी, तो लबोलवाब ये है कि पलासियो मॉल जो है वो पहले की तरह ही चल रहा है। वहाँ भीड़ फिलहाल तो कम ही थी, मतलब नॉर्मल वीकडेज में जैसी होती है, वीकेंड्स का पता नहीं है, तो सैटरडे संडे जब जाएंगे तभी बता पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई खास असर नहीं दिख रहा है लूलू मॉल के खुलने से दूसरे मॉल्स के फुटफॉल पे। बट यस, देखना पड़ेगा, तो वीकेंड को भी चलेंगे किसी दिन और आपको बताएंगे कि वीकेंड पे कैसा माहौल है। फिलहाल वीक डेज में कोई ऐसा खास चेंज हमें देखने को नहीं मिला।